हेलो गाइस, दिस इज अनाडी एंड वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ GK 24x7। सो SSC कांस्टेबल में जो रिक्रूटमेंट निकला है दिल्ली पुलिस के लिए, उसके ही तहत आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हर दिन आपको एक सेट मिलेंगे और जिसमें बहुत ही सिलेक्टिव कुछ क्वेश्चन रहेंगे। और ये क्वेश्चन ऐसे वैसे नहीं है, ये एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। और ये जो लिखावट है आपके सामने, ये देखकर आप चौंकिए मत, ये जो क्वेश्चंस में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ये क्वेश्चन सिर्फ आपके SSC कांस्टेबल के लिए नहीं, बल्कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो MTS हो, चाहे वो CHSL हो, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स हो, या वगैरह वगैरह जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स है, उन सब के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपको ये जो वीडियो है ये देखने के बाद पता चल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। To get free study and job related videos, subscribe now and hit the bell icon for never miss an update in future. तो आज का जो पहला सवाल है वो है, the decimal system of Indian currency was started in, यानी भारतीय मुद्रा की दशमलव प्रणाली कब शुरू की गई थी। ठीक है, आपके ऑप्शन है 1950, 1955, 1957 या 1960। तो जवाब हो, सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, 1957। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, द इंडियन इकोनॉमी कैन बी मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्ड एज ए, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे उपयुक्त रूप से वर्णित किया जा सकता है किसके द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी पूंजी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था, ट्रेडिशनल इकोनॉमी यानी पारंपरिक अर्थव्यवस्था, या अंत ऑप्शन है मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका जो सही जवाब होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे उपयुक्त रूप से वर्णित करना मिक्स्ड, हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, और ये रहा आपका तीसरा सवाल। तीसरा जो सवाल है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, द सिंबल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक क्या है। हम सब ने रिजर्व बैंक के जो लोगो है उसको देखा है, सिंबल को देखा है, लेकिन आपका जो मन है वो शायद इसको याद रखने में सक्षम ना हो। तो ऑप्शन एक बार बता दूं, कैपिटल ऑफ अशोकन पिलर यानी अशोकन स्तंभ की राजधानी, उसके बाद कुबेर विद पार्ट्स ऑफ मनी यानी धन की थैली के साथ कुबेर, टाइगर बिफोर ए पाम ट्री यानी एक ताड़ के पेड़ से पहले बाघ, उसके बाद ए डॉग सिटिंग इन ए डिफेंसिव स्टेट, उसका मतलब एक कुत्ता डिफेंसिव तरीके से बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा टाइगर बिफोर ए पाम ट्री यानी एक ताड़ के पेड़ से पहले बाघ। और मैं आपको दिखा दूं अभी, तो यहाँ पे देखिए मैंने जो अभी बोला है कि एक पाम ट्री के सामने जो बाघ है, तो यहाँ पे देखिए एक बाघ और ये जो रहा आपका नीचे वाला हिस्सा, ये पाम ट्री का है। ठीक है, यानी ताड़ का पेड़। तो नेक्स्ट जो सवाल है वो है, फॉर हुम वॉज द फर्स्ट डिपार्टमेंटल लाइफ इंश्योरेंस स्टार्टेड, यानी पहला विभागीय जीवन बीमा किसके लिए शुरू किया गया था। आपके पास ऑप्शन है आर्मी यानी कि सेना, सिविल ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के सिविल अधिकारी के लिए, या एम्प्लॉइज ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट डाक विभाग के कर्मचारी के लिए, या अंत में है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी जीवन बीमा निगम। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, एम्प्लॉइज ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट यानी डाक विभाग के कर्मचारियों के लिए पहले जीवन बीमा की शुरुआत हुई थी। और यह कब शुरुआत हुई थी इसको भी याद रखने की कोशिश कीजिएगा, 2 फरवरी 1884, यानी बहुत पहले से ही जीवन बीमा स्टार्ट हो गया था। पांचवा जो सवाल है वो है, व्हाट इज द एनिमल ऑन द इंसिग्निया ऑफ द RBI, यानी RBI के प्रतीक चिन्ह पर कौन सा जानवर है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। लायन यानी सिंह, टाइगर यानी बाघ, पेंथर यानी तेंदुआ, या एलिफेंट हाथी। तो आपको बताना है सही जवाब क्या है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था कि RBI के सिंबल के सामने, जो ताड़ के पेड़ के सामने कौन था, टाइगर था यानी बाघ। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा बाघ, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट जो छठा सवाल है आज का वो है, द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया इज, यानी भारत के राज्य सरकार के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है, मतलब किससे वो राजस्व सबसे ज्यादा लाभ करते हैं। आपके पास ऑप्शन है सेल्स टैक्स यानी बिक्री कर, एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद शुल्क, इनकम टैक्स आयकर, प्रॉपर्टी टैक्स संपत्ति कर। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा, क्या ऑप्शन नंबर 1, सेल्स टैक्स, यानी सेल्स टैक्स के ऊपर राज्य सरकार सबसे ज्यादा राजस्व या मुनाफा कमाती है। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका और क्वेश्चन नंबर 7, द बेस्ट वे ए बैंक कैन अवॉइड लॉस इज टू, तो इसका मतलब है सबसे अच्छा तरीका वो कौन सा है एक बैंक को नुकसान से बचा सकता है, ठीक है, एक बैंक को नुकसान से बचा सकता है उसके लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है लैंड ओनली टू इंडिविजुअल नोन टू द बैंक, केवल बैंक ज्ञात व्यक्तियों को उधार दे। उसके बाद एक्सेप्ट साउंड कोलैटरल, ठीक है, ध्वनि संपर्कित स्वीकार करे। नेक्स्ट है आपका गिव ओनली शॉर्ट टर्म लोन्स, केवल अल्पकालीन ऋण दे। और अंतिम ऑप्शन है आपका लैंड ओनली टू बैंक्स ओल्ड कस्टमर, सो बैंक के खाली पुराने कस्टमर यानी ग्राहकों को ऋण दे। तो यहाँ पे देखिए फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो सकता कि सिर्फ एक बैंक अपने ओल्ड कस्टमर को ही ऋण दे और केवल अल्पकालीन ऋण दे, तो ऐसे जो इंटरेस्ट होगा वो बैंक को ही कम मिलेगा। तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन यहाँ पे है और आपका सही जवाब भी है वो है आपका एक्सेप्ट साउंड कोलैटरल यानी धन संपर्कित स्वीकार करे, संस्पर्शिक, ठीक है, संस्पर्शिक स्वीकार करे। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच एमिरिस्ट द फॉलोइंग रूरल बैंक हैज नेम्ड आफ्टर ए रिवर, निम्नलिखित में से किस नदी के नाम पर ग्रामीण बैंकों का नाम रखा गया है, यानी नीचे जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपको बताना है कि किस नदी के ऊपर ग्रामीण बैंक का नाम रखा गया है। प्रथमा बैंक, बड़ौदा ग्रामीण बैंक, या आंचलिक ग्रामीण बैंक, या अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो यहाँ पे देखिए आपका सही जवाब जो होगा वो होगा बड़ौदा, ठीक है, बड़ौदा ग्रामीण बैंक। और ये बड़ौदा किस लिए पड़ा नाम, बड़ौदा पड़ा है वर्धा नदी के नाम से। और वर्धा नदी के बारे में एक बात बता दूं, वर्धा जो नदी है वो जो विदर्भ रीजन है उसका सबसे विदर्भ रीजन है, विदर्भ रीजन का यानी विदर्भ क्षेत्र का सबसे बड़ा नदी है। और ये वर्धा रिवर कहाँ कहाँ यानी किस किस स्टेट में फ्लो यानी फ्लो होता है आपको बता दूं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना, इन तीन स्टेट्स में इसका पानी आवाजाही करता है, यानी ये इन तीन स्टेट में ये जो रिवर ये फ्लो वर्धा रिवर ये फ्लो होता है, ठीक है। जो नवा सवाल है वो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑफ द आरबीआई, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वो आरबीआई का एक खुला बाजार संचालन है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स, ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज, ट्रांजैक्शंस इन गोल्ड, लेंडिंग टू कमर्शियल बैंक्स। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज, मतलब प्रतिभूतियों में व्यापार, ठीक है। जो दसवां सवाल है वो है द नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री इज, यानी किसी देश की राष्ट्रीय आय क्या है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है गवर्नमेंट एनुअल रेवेन्यू यानी सरकारी वार्षिक राजस्व, टोटल प्रोडक्टिव इनकम यानी कुल उत्पादक आय, नेक्स्ट है सरप्लस ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज यानी सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यम का अधिशोष। उसके बाद है आपका एक्सपोर्ट लोन इंपोर्ट, निर्यात ऋण आयात। तो यहाँ पे जो दसवें सवाल का सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी टोटल प्रोडक्टिव इनकम, कुल उत्पादक आय, ठीक है, उसके द्वारा ही किसी देश की राष्ट्रीय आय इनकम होती है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका द टाइप ऑफ नोट इश्यू सिस्टम फॉलोड इन इंडिया इज, भारत में नोट इश्यू प्रणाली का प्रकार निम्नलिखित है, यानी भारत में जो नोट यानी करेंसी जो सिस्टम फॉलो किया जाता है वो कौन सा फॉलो किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है मैक्सिमम यानी अधिकतम सिस्टम यानी अधिकतम प्रत्यय प्रणाली, दूसरा ऑप्शन है मिनिमम रिजर्व सिस्टम यानी न्यूनतम आरएस, तीसरा ऑप्शन है प्रोपोर्शनल फिड्यूशियरी सिस्टम यानी अनुपातिक प्रत्यय प्रणाली, और अंतिम ऑप्शन है फिक्स फिड्यूशियरी सिस्टम यानी स्थिर प्रत्यय प्रणाली। तो भारत में एक्चुअली जो फॉलो किया जाता है वो है मिनिमम रिजर्व सिस्टम यानी न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय, यानी मुद्रास्फीति का द्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति किसके द्वारा होती है। आपके पास ऑप्शन है इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ गुड्स यानी माल की आपूर्ति में वृद्धि, इंक्रीज इन कैश विद द गवर्नमेंट सरकार के साथ नकदी में वृद्धि, डिक्रीज इन मनी सप्लाई पैसों की आपूर्ति में कमी, या इंक्रीज इन मनी सप्लाई धन की आपूर्ति में वृद्धि। तो यहाँ पे सही जवाब कौन सा होगा, तो यहाँ पे सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, इंक्रीज इन मनी सप्लाई यानी धन की आपूर्ति में वृद्धि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हिच इज द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है स्वतंत्र भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र निगम कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है हिंदुस्तान
स्टील कॉर्पोरेशन भिलाई, उसके बाद है स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर फोर होगा दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। तो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन क्या था वो मैं आपको बता दूं, थर्मल एंड हाइड्रो पावर जनरेटिंग पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन था। और दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का जो सूचना हुआ था वो 1948 के मार्च में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल है वो है आपका, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग करेंसीज हैज द हाईएस्ट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रूपी। रूपी किसका जो करेंसी है, रूपी हमारा करेंसी यानी भारत का करेंसी है रूपी। तो आपको बताने नीचे दिए गए ऑप्शंस में से किस मुद्रा का रुपया के साथ संदर्भ में उच्चतम मूल्य है, यानी रुपया से सबसे ज्यादा उच्च मूल्य निम्नलिखित में से किस मुद्रा का है, पाउंड का है या डॉलर का है या यूरो का है या सऊदी रियाल का है। तो पहले बता दूं कि भारत का एक रुपया जो है उसकी बराबरी है 0.010 पाउंड, ठीक है। उसके बाद डॉलर का है एक रुपये इक्वल टू 0.013 डॉलर, और यूरो का है जो वर्तमान में है एक रुपये का है वो है 0.011 यूरो, और सऊदी रियाल का है 0.050 रियाल। तो इसका मतलब है जो पाउंड है वो सबसे ज्यादा महंगा है भारतीय रुपये के मुकाबले, जिसका मूल्य है भारत का एक रुपये का 0.010, ठीक है। तो यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर वन है पाउंड वो सही है। नेक्स्ट जो सवाल है वो है, दी बेसिक रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक मार्केट लाइज विथ दी। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार के लिए मूल नियामक प्राधिकरण जो प्राधिकरण के साथ निहित है, ठीक है। आपके ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी या स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा इस 15वें सवाल का वो होगा सेबी, यानी ऑप्शन नंबर थ्री। और मैं आपको बता दूं सेबी का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। और सेबी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था ये बात भी आपको याद रखना चाहिए, 12 अप्रैल 1988, ठीक है। 12 अप्रैल 1988 को सेबी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। सेबी का फुल नाम क्या था, ऑफ इंडिया, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल है वो है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एपेक्स बैंक फॉर इंडस्ट्रियल लोन्स। यानी निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक ऋणों के लिए शीर्ष बैंक है। आपके पास ऑप्शन है आरबीआई, नाबार्ड, आईसीआई, उसके बाद है आईडीबीआई। तो इसमें जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आईडीबीआई, यानी ऑप्शन नंबर फोर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ओके। नेक्स्ट जो सवाल है वो है आपका, इन इंडिया द लार्जेस्ट पब्लिक अंडरटेकिंग इज, ठीक है, भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम क्या है, एयर इंडिया, इंडियन रेलवे, आईओसी या एलआईसी। तो यहाँ पे जो इस 17वें सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा आईओसी, यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। और ये रहा और एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल, द टोटल नंबर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक्स इन इंडिया इज, यानी भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या क्या है, मतलब कितना है। ऑप्शन से 14 है, 19 है, 21 है और 30 है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर टू, 19, ठीक है। तो गाइज आज का जो 19वां सवाल है वो है, बिगेस्ट नेशनलाइज्ड एंटरप्राइज टुडे इज, यानी आज भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है द इंडियन रेलवे, द इंडियन कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, द इंडियन पावर सेक्टर, द इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। तो यहाँ पे जो इस सवाल का सही जवाब होगा वो होगा द इंडियन रेलवे, यानी ऑप्शन नंबर वन आपका सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सवाल है वो है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, हु कॉइन्ड द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ फॉर इंडियन इकोनॉमी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए विकास की हिंदू दर शब्द किसने गढ़ा था, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है ए के सेन, किरित से पारिक, उसके बाद राजकृष्णा या मंटेंग सिंह अलूवालिया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर थ्री है राजकृष्णा, प्रोफेसर राजकृष्णा, वो आपका सही जवाब रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया अंडर, यानी स्वतंत्रता के बाद की अवधि में भारत में पहली बार आर्थिक सुधार कब शुरू किया गया था, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, जो 91 से 96 या 95 के बीच जो थी, उसके बाद इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जो 1980s में वो थी, इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट, उसके बाद राजीव गांधी गवर्नमेंट 1985 या जनता पार्टी गवर्नमेंट 1977। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, जो 1991 से लेकर 1990 तक थी, और उसके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है।
सो नेक्स्ट जो सवाल है वो है, व्हेन वाज द जवाहर रोजगार योजना लॉन्च, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि कब जवाहर रोजगार योजना लॉन्च हुआ था। आपके पास ऑप्शन है 1985, 1987, 1989 और 1991। तो इस 22वें सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, 1989। ठीक है, तो ये रहा और एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड इन, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ऑप्शन है 1947, 1948, 1949 या 1951। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, 1949। नेक्स्ट सवाल है आपका, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज कंस्टिट्यूट इन द ईयर, यानी भारत योजना आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था। ऑप्शन है 1942, 1947, 1950 या 1955। तो इस 24वें सवाल का जो सही जवाब है वो है 1950, यानी ऑप्शन नंबर 3। तो पूरा जो डेट है वो भी मैं आपको बता दूं, 15 मार्च 1950 को जवाहरलाल नेहरू के चेयरमैन रहते हुए भारतीय प्लानिंग कमीशन की का गठन किया गया था। ठीक है, और आज का जो अंतिम प्रश्न है वो है, व्हिच प्लान गेव एम्फेसिस ऑन रिमूवल ऑफ पॉवर्टी फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, यानी आपसे पूछा जा रहा है किस योजना ने पहली बार गरीबी हटाने पर जोर दिया था, यानी ये जो प्लान है वो कौन सा प्लान है, 5-year प्लान है। ठीक है, इधर पहले अभी जो थोड़ी देर पहले हमने बात की थी ना प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, वो 5-year प्लान की बात यहाँ पे, किस योजना ने पहली बार गरीबी हटाने पर जोर दिया था, किस 5-year प्लान ने। आपके पास ऑप्शन है 4th, 5th, 6th या 7th। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा 5th 5-year प्लान, जो 1974 से 1979 तक था, उसमें पहली बार गरीबी हटाने पर जोर दिया गया था। तो गाइस, इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका शुक्रिया। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप भी रोजाना ऐसे ही वीडियोस पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए घंटी कभी दबा दे। तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।